जुग जुग जीवे तोरे लाला यौ मदन गोपाला यौ मदन गोपाला ये वो बहिनी तोरे घर बेटवा बिराज सोहर मंगल गावथन हो बहिनी तोरे घर बेट सास सास मात हाँ समाए तोरे च गाथौ गीत रे तोरे च गाथौ गीत ये कैसे तोर माया की बंधना टूटत है मोर मीत रे टूटत है मोर मीत तोर मिठ मिठ बोलीला कैसे मैं हाँ भूलाऊं रे संगी आजबे आ जबे मोर सैया विदेशी आ जबे जी नमस्कार जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो मैं आप मन की नीरज बारले आप जम्मू झन के सुपर छत्तीसगढ़ चैनल में स्वागत है। हमारे बीच जन बैठे दीदी वो कोनो परिचय के मोहताज नहीं कबर अपन गीत संगीत जस रामायण ले जुड़े हवा तो बिल्कुल ये चेहरा है वो आप मन जानत हो तो चलाओ आवाओ आज हमारे दीदी के एक छोटे से पात्र परिचय अपन के सामने रखे पर जावा थन काबर की निरंतर संघर्ष करके आगे आवा थे और हमन ऐसे मंदिर में लेके बढ़िया हमारे सौभाग्य गलोक देखो कि दंतेश्वरी माता जी के मंदिर है वहाँ वीडियो लेके सौभाग्य मिला थे संगे संग दीदी से भेंट मुलाकात गलोक करे के मौका मिली सब है और चलो ज़्यादा देर हमन गोट बात नहीं करन दीदी से कर जन जीवन परिचय हो आप मन के बीच रखे के प्रयास कर थन सबले पहले तो दीदी आप मन के बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया। संगीत के क्षेत्र में बिल्कुल गोट बात करबो ओकर से पहले चाहथन एक छोटे से पात्र परिचय हमारे जनता मन पर रख दो। जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो मोर नाम कुमारी इंद्राणी वर्मा है और मैं हाँ एक छोटे से गांव ग्राम मारू टोला खुर्द के रहैया हरों और अभी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हूँ। अब पढ़ाई लिखाई की बात करो दीदी का कत कत पढ़ाई करत हो और अभी बता पढ़ाई करते चलो कि हाँ हाँ पढ़ाई करे हो। वैसे तो मैं हाँ ज़्यादा कुछ नहीं करे हूँ संगवारी हो बारहवीं ले पढ़े के बाद ना सीधा कॉलेज में आए हों और बैचलर करे के बाद मास्टर डिग्री चला थे। हाँ तो ये संगीत के क्षेत्र में अपन कोर्स करते हो दीदी अभी संगीत जी जी तो गाय के रुचि कैसे टाइप से बढ़ी से परिवार में कोनो रही सब है कि काकरोला देख के सीखे हैं अपन। वैसे तो भैया परिवार में कोनो नहीं रही से मतलब संगीत ला लेके कोनो अतिक ज़्यादा सीरियस नहीं रही से फिर मोर बड़े बाबू जी है श्रीमान कार्तिक राम वर्मा जी तो ओकर द्वारा ना शाम को मंदिर में इसने भजन कीर्तन चले जी, जी, तो ओमन हाँ बुलावे मोला कि आ बेटी भजन वजन करवो इसे गए के तो ओकर मन संजावो संझा वहीं जाके फिर गाय के सीखे हूँ और एक मोर स्कूल लाइफ में एक सुंदरे सर नाम के रही से गुरु जी रही से वह मोला मोर आवाज़ ला देख के बोलीस कि बेटा आप संगीत के क्षेत्र में जाहू और वही में पढ़ाई करूँ कह के तेकर चलते मैं हाँ फिर आगे बढ़े के प्रयास करें। की बात करें हो फैमिली में के जन हो परिवार अपन की के जन मोर परिवार में माँ है बाबू जी है भैया भाभी है और मोर बड़े दीदी के तो शादी हो चुके हैं बस मैं ही छोटे हूँ घर में और सब मोर पिताजी किसानी करते हैं। हाँ तो जैसे आप बात कर रहे हैं आप मन संगीत के लाइन में बात कर रहे हो रामायण जस के लाइन में हवा चाहते तो हिंदी छत्तीसगढ़ी में जा सकते हो रन जस ला रामायण ला चुने के रीज़न नहीं मैं बताया ना कि मोर बड़े पिताजी है जिन्हा बचपन से ही मोला संगीत के लिए वह जागरूक करी से और सबसे बड़ी बात कि मैं बचपन ले मंदिर में ही जाके संगीत कीर्तन भजन करूँ और सौभाग्य ये है कि आज मंदिर में वीडियो हुआ थे ता ओकर से मैं हाँ नहीं जा पाऊँ दूसरा क्षेत्र में और मोला रुचि यही चीज़ में हो गए कि रामायण करना है ऐसे करके कभी के बच्चा मतलब देखे हुआ आप मन कई गांव में जावा था हुआ जी ये लाइन ला छोड़ के अलग लाइन में जावा थे अधिकतम देखे हुआ आप हाँ हाँ गलत लाइन में आप ये लाइन ला चुने हो काबर की ये लाइन ऐसे भी अगी संगीत के लाइन वैसे भी बोलते बेटी मन ला मनच करते अक्सर बहुत मना करते मना करे नहीं करे आप मतलब। हाँ वैसे तो घर में जब मैं बोले हूँ कि मोला बारहवीं के बाद संगीत करना है तो घर के आर्थिक तंगी के वजह से आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं रही भैया और भगवान के कृपा ले अभी थोड़ा से संभले है घर के आर्थिक स्थिति है बाकी
घर वाले मन बोले कि मैं हाँ नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ाना है, मतलब हमारी स्थिति अतेक ठीक नहीं है बेटी, तो अभी मत जाओ, मैं बार बारहवीं करके बर बिहाव करके दे हाँ अपन घर द्वार चले जा कह के बोले। फिर मैं बहुत जिद करे हूँ, लड़ाई झगड़ा करे हूँ, और तब जाके बहुत जन के सपोर्ट मिली से तब जाके मैं हाँ थोड़ा सा पढ़ पाए हूँ। बारह पड़ोसी अड़ोस पड़ोस के कैसे टाइप से सहयोग? वो मन हल तो जानता ना गांव के बर्ताव कैसे रही थे, वहू मन बोले कि कहाँ गीत संगीत में जाही का करही, वैसे भी एकर कोनो स्कोप नहीं रहा है, और अपन बेटी ला काबर बहरी में रख के पढ़ाओ लिखाओ। रात रात के जाही हाँ वाले ये वाले रात में जाही रात में आही का। मैं तो जब मंदिर भी जाऊँ ना गाँव में भी भैया, तब मंदिर भी जाऊँ तो मंदिर में भी जाऊँ तो शाम को जब आऊँ 7 बज जाए लगभग लगभग, तो कहा है अकेला और बेटी हजार आवत है हाँ। अकेला आवत है हाँ। ऐसे की के बहुत बहुत जन बोले आओ घर के मन फिर वही पर के बुध में जाए हाँ। वाले तो मोर बर दुभर बर दू आषाढ़ हो गए रही से मानो तो हाँ। अभी अब फैमिली के सपोर्ट है कि नहीं? अभी अब फैमिली के बहुत अच्छा सपोर्ट है, मतलब वैसे तो मैं हाँ 12वीं ले निकले के बाद माता पिता मन हम मोला एडमिशन के लिए पैसा दे रही से, बाकी फिर मैं अपन खुद से भगवान के कृपा ले रामायण करके हाँ। प्रोग्राम करके मैं करे हूँ। तो अभी रामायण पढ़ाई के संगे संग अपन रामायण के कार्यक्रम भी लेते हैं? हाँ पूरा रामायण के कार्यक्रम लेता हूँ, और एकर ले पहली भैया मैं हाँ जो हमार दीदी है आदरणीय श्रीमती ममता चंद्राकर जी ओकर साथ प्रोग्राम करे हूँ 3 साल ले हाँ। मोर पहली स्टेज उहें रही से और ओकर सन में करे हूँ, बहुत अकन गाना वाना घलोक दे रही से दीदी है। पहली स्टेज के बात करें, पहली स्टेज के एक्सपीरियंस काबर की बहुत नवा नवा लड़का काबर संगीत विश्वविद्यालय जुड़े हवे जी, वो मन जानना चाहिए कि पहली स्टेज के मौका कैसे रही थे, कैसे फीलिंग रही थी, कतका नर्वस डर का करी थे, सब बोला बताते हो? बहुत ज़्यादा सबले पहली तो मंच में चढ़ते ही इतना कपकपी आ जाते भैया, माइक ल मैं ढंग से पकड़ नहीं सकत रहे हूँ, और सर और दीदी ल देख के मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, मतलब डर के गुरु गुरु होते हाँ। और सम्मान तो रही से लेकिन संगे संग डर बहुत ज़्यादा रही से, खबर पब्लिक ला फेस करना, पब्लिक ला देख के गाना बोलना बताना, और उहे से कहीं ना कहीं मैं हाँ भगवान के कृपा ले दे बोले गोठिया वर घलोक सीखे हूँ हाँ। आज जैसे बोले गोठिया की बात करे हो, पहली तो एक गीत सुनथन पहली भजन जिन आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपन दौर में जी, जिन गीत से वो गीत ला रखू अगर याद हुई थी, फिर जो गीत जनता पसंद करते हो बोला रखू। सास सास माते हाँ समाए तोरे च गाथों गीत रे, तोरे च गाथों गीत, ये कैसे तोर माया की बंधना टूटते है मोर मीत रे, टूटते है मोर मीत, तोर मीठ मीठ बोलीला कैसे मैं हाँ भूलाऊं रे संगी, आ जबे आ जबे मोर सैया विदेशी, आ जबे। दीदी जैसे लोगन मन की कर रही थी कि दुए चार लाइन की है हाँ। अक्सर इंस्टा में जब अपलोड करते हैं तो बोलते भैया थोड़कन ज्यादा गाते हैं, इसे करके चाहते हैं वो गीत ला थोड़कन आगे बढ़ाते, कब एकदम सुनत हैं तो मन हमला गदगद होते फिर जनता के कारण जी 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 बिल्कुल। आ जबे मोर सैया विदेशी, आ जबे आ जबे मोर सैया विदेशी, आ जबे 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 मोर सैया विदेशी, आ जबे आ जबे मोर सैया विदेशी, आ जबे। जैसे दीदी देखा था गाना अति सुखर कर लगावत हो, एल्बम कतेक ठना है अभी? एल्बम हाँ तो वैसे भैया मोर 2-4 ठना है, और उमें जस गीत वगैरह मन हाँ ज़्यादा है, और एक ठन मया के गीत हवे, और ममता दीदी के संग में एल्बम घलो कर पा रहे हूँ। दीदी मन बोली से कि ये गाना है इंद्राणी तो आवाज़ में सूट कर ही तते हाँ, और महू कह रहे हूँ भाई कि मैं कर लेते हूँ ऐसे गई के अच्छा। मजाक में मैं कह रहे हूँ, फिर उमन ला कहीं कहीं लगी सोई कि वाकई में कर ली का तो करे घलो खाओ गाना ला, पर मोर नाव के चिट्ठिया ले जा रही परदेसी ऐसे कुछ गाना है वही वाले गाना में जनता के एक बार स्वागत है गीत लगा लोग रखते जी।
अरे विदेशिया रे, अरे परदेशिया रे, मोर नाव के चिट्ठिया ले जा, मोर नाव के चिट्ठिया ले जा, अरे परदेशिया रे, अरे विदेशिया रे, तोरे नाव के चिट्ठिया दे दे, तोरे नाव के पतिया दे दे। तो जैसे दीदी देखा था मन एल्बम में कही गाना मंच में गाना बहुत फर्क रही बहुत फर्क कितने फर्क रही थे आप मन बताते हो। वैसे तो मैं अपन बात ला बताना चाहूँ कि मोला जत का थोड़ा बहुत अनुभव हो है ओला कहना चाहूँ कि स्टूडियो में गाना बहुत अलग बात है भैया और मंच में गाना बहुत अलग बात है। अभी भी देखथन कि स्टूडियो में जिन गाने वाला है तेन मन हाँ कभी 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 मंच में जब नहीं गाए रहा है तो ओ मन अचानक से अगर आप मंच में बैठा दो मंच में अगर गाए बर बोलूँ ना तो मन कपकपी आ जाही ओकर अंदर डर आ जाही। और स्टूडियो में तो टेक बाई टेक 10 बार 12 बार इसे गवाते रहना लेकिन मंच है मंच एक ही बार होते चाहे वो बिगड़े चाहे वो बने तो वो है मुला लगता है कि मंच में जिन कलाकार है जिन हाँ कर लीस अपन परफॉर्मेंस बिना डर के बिना झिझक के सही महीने में वही ला हाँ कलाकार कहे जाते और वैसे जिन हाँ स्टूडियो में करते एल्बम में करते वहूँ मतलब कही थे फिर एक डर और झिझक जोन रीते ना हाँ डर और झिझक झिझक जो है भैया वह मंच से ही दूर होते कहे के अर्थात ये है। आप मन के जीवन में बात करो अभी तक के प्रोग्राम दे हो चाहे रामायण बात करें चाहे जसला बात करें जी जी कोई एक आके से मन से जी मामला इतना ज़्यादा डर लगी सो ही कि ये मोर लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है ऐसे माहौल मिले आप मन जी जी बिल्कुल ये माहौल है मोला ना मिली से बालोद के कुंदरू पारा। अच्छा जी हाँ हमन हम मंच में गे रहे हैं और व्याख्याकार मन भर ना मतलब अतका साल ले करे हों कर चुके हों लेकिन यही साल के बात आए भैया वो मंच में मोला अतका ज़्यादा डर लगे लाइव चलत रहा है तीन तीन चार चार ठन कैमरा लगे रहा है और कैमरा लगे रहा है तो सब जन ऐसे बैठे रहें बढ़िया और बैठे के बाद जो व्याख्याकार है ओकर आसन ला ऊपर बना दे रही से हाँ जानो मानो कोनो भगवताचार्य ऐसे ऐसे अलग टाइप के अब ऐसे बैठे हैं ना हमार मन के ऐसे ऊँचा बना दे रही से तो वो जगह मोला अतका डर लगे कि प्रभु कौन जन में कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। कैमरा डर लगे दे रही से कि कैमरा लगे सामने ऐसे हाँ कैमरा लगे तो रहा है फिर कैमरा में मो ध्यान हो उतेक नहीं रहा है फिर व्यास गद्दी ला ऊपर बना दे रही से और पब्लिक भी वैसने एकदम ज़्यादा भीड़ हाँ 1,000-5,000 के भीड़ में रही से तो वो बीच में व्यास गद्दी ऊपर लेवल में बैठ के बोलना मतलब बहुत डर लगी सो दिन सही में मैं वो दिन कहूँ मतलब कि छोटे मोटे बात में कलाकारी करना और पब्लिक लफेस करके अतका बड़ व्यास गद्दी में बैठ के बोलना मतलब बहुत डरे रहे भैया मैं। लोगन मन तो कहते कि गाना गाना आसान बात ऐसे करके बहुत जर्मन कहते ना कि हलवा ऐसे करके आप बताओ कि गाना का है कत कत तकलीफ होते थे। अरे भैया गाना मतलब एक कलाकार के जिंदगी ला संगवारी हो एक कलाकार ही समझ सकते कि वो कतका पीड़ा उठाते अभी भी भैया हमार रोज प्रोग्राम में जाते हैं रोज हमार गाड़ी है निकलते देखते तो लोगन मन कहते अरे वाह इंद्राणी दीदी बहुत पैसा छापत हो बहुत पैसा कमात हो नोट छापत हो भैया कबू हमरो ढांच चला दो ऐसे कहते भैया तो मतलब मोर कहे अर्थ ये है पैसा ला तो छापत हन फिर पैसा कैसे छापत हन एकर दर्द ला सिर्फ हम ही मन समझ सकथन रात रात भर जगना और सोहर में कतका दंद रहते थे हम ही मन जानथन भैया नहीं नहीं बहुत जन गुरु हवे भैया मोर जीवन में जैसे कि अभी बड़े बाबूजी हो गए माता पिता मन ला पहली गुरु माने जाते सबले पहली बड़े माता पिता मोर गुरु हरे जिन मोल इतना सपोर्ट करी से और ओकर बाद बड़े बाबूजी हुई बड़े बाबूजी के संगे संग में धीरे धीरे जब मैं आवत गई जब मोला यहाँ आना रही से तो कोनो सपोर्ट नहीं करत रहा है लेकिन मोर संगवारी मन रहा है जिन आप उनमें बात ला शेयर करें तो ओमे से सपोर्ट करैया रही से डोलेश कुमार साहू जी ओमे से सपोर्ट करैया रही से मोर एक सुरभि दीदी करके है वह सपोर्ट करीस मोर ऐसे ऐसे बहुत अकन संगवारी मन हाँ रहीन है जिन मन ला मैं अपन दुख पीरल बताया अपन भावना ला बताया तो मन मोर सपोर्ट करी से बड़े बाबूजी रही से और ममता दीदी तो गुरु है ही और संगे संग प्रेमचंद्राकर सर जी भी गुरु हरे और बहुत जन मन ऐसे मोर लाइफ में गुरु है ममता जी की बात करें जी वैसे भी छत्तीसगढ़ के एक धरोहर हरे ओकर से आप मन ला मौका मिले हुए प्रोग्राम करे वो कर अनुभव बताते हो अपन ओकर अनुभव ले तो मैं यही सीखे हूँ कि संघर्ष जीवन में एक कलाकार
ला कैसे जीवन में संघर्ष करके चलना पड़ते, कैसे जैसे रात्रि के समय है तो स्टेज में जब चढ़न तो स्टेज में, अब उतना बड़े कलाकार है भैया, उतना बड़े कलाकार है, उतना बड़ा कलाकार जब मंच में चढ़े और चढ़े के बाद भी जब दो चार गाना चले फिर भगदड़ लोक कला मंच में भगदड़ होए के है ना, चांस रहते बहुत ज़्यादा, तो उतना बड़ा कलाकार अपन गुस्सा ला कंट्रोल करके रखे, संयम बांध के रखे अपन, मतलब एक कैसे मंच ला बांध के रखना है, कैसे पब्लिक ला बांध के रखना, कंट्रोल कैसे करना है और संघर्ष कैसे करना है वो सीखे मैं, हाँ है ना। और कभी कभी कलाकार मतलब ये होते कि जैसन कभी कोनो ऐसे फैसिलिटी नहीं मिले, सुविधा नहीं मिले, तो जैसन है गद्दा मिल गया तो ठीक, नहीं तो एक ठन चटाई में हमन हाँ बैठ के सो के खा के बिता देन वही जगह, और वो चीज़ ला मैं हाँ भली भांति दीदी जी से मैं सीखे हूँ। हाँ अपन अपन जीवन में कतेक संघर्ष करे हो, जैसे कि अभी तो बताए छो ये आप दीदी के, बिल्कुल अपन जीवन में कतेक संघर्ष करे। मोर जीवन में तो मैं हाँ संघर्ष तो करे हूँ भैया, मैं ना मतलब बहुत डांट खाऊँ, पहली मैं यहाँ नहीं रहत रही हूँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक मैं यहाँ नहीं रहत रही हूँ, घर से आना जाना करूँ, यहाँ से मोर घर है खैरागढ़ ले लगभग 15 किलोमीटर है, तो मैं वहाँ ले आना जाना करूँ तो मोर बस रहा 4 बजे, तो मोर बस रहा है तो बस के समय है 4 बजे रहा है, फर्स्ट ईयर में तो जैसे तैसे मैं झेल लूँ, 3 बजे क्लास रहा है मेन क्लास, ओकर बाद बस मिल जाए, लेकिन सेकेंड ईयर में फिर मोलो बहुत दिक्कत हो है, मोर क्लास है 4 बजे, 4:30 बजे तक ख़त्म हो है और मोर बस रहा है 4 बजे। हाँ कभी कभी 4:30 बजे ख़त्म हो, कभी कभी 4 बजे ख़त्म हो जाए, तो 4 बजे बस रहा है ना, तो 15 मिनट बचे रहा है, वैसे मैं अपन बोरिया बिस्तर ला बांधो यहीं कॉलेज से और मैं यहाँ जल्दी उठे के तैयारी करूँ और भगते भगते मैं पिछला गेट साइड सिविल लाइन साइड में जाऊँ और वहीं में जाके खड़े रहूँ, बस ला कभी पहुँचाऊँ नहीं पहुँचाऊँ, फिर नहीं पहुँचाऊँ तो मोर माता जी हम वाला बहुत डांट फटकार करे, हाँ कि तोर ऐसा कौन से क्लास हरे जिमें रात तक क्लास चलते तोर, ऐसे कह के मोर माँ हम बहुत मुला डांटे फटकारे, घर के काम बूता ला छोड़ के तह जाथस, बहुत तकलीफ झेले भैया, और पैसा के तंगी होए के बाद तो मैं खैरागढ़ में ही है, अपन एक्सपीरियंस ला मैं बतावा था अनुभव ला, जब पैसा के तंगी होए ना तो मैं यहाँ फेमस मेडिकल में 6-7 महीना तक पार्ट टाइम घलो करे हूँ, हाँ और ओकर बाद नमस्कार दुकान में घलो करे हूँ, यहाँ फेमस मेडिकल छोड़े फिर नमस्कार दुकान में कपड़ा दुकान में काम करो, ओकर बाद वहाँ छोड़े हूँ, फिर कंप्यूटर दुकान में थोड़ा बहुत कंप्यूटर के भी, हाँ तो जैसे भी रोजी देवा है, हाँ वही मान ले पहली रामायण के प्रोग्राम ला कम लेवाऊँ, पढ़ाई के चलते कम लेवाऊँ, तो पार्ट टाइम के लिए पैसा है ना जरूरी रही तो पार्ट टाइम करूँ, और ओकरे वजह से मोर जैसे भी 3,000 महीना देवा है, 2,500 महीना देवा है, नमस्कार में तो 2,500 देवा और यहाँ 2,000 देवा है कंप्यूटर दुकान में, तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ अर्निंग हो जावे मोर करा सक ला जाए, उही में पढ़े हूँ और उही में पढ़े के बाद कुछ कुछ एल्बम ला एक दूठन ला घलोक निकाले रहे, मतलब खुद के शादी हो नहीं दी जी जी जी, आने वाले दिन में शादी होना है जी जी, पति ये नहीं माना थे अगर कलाकारी लाइन ले कही कि हमला नहीं भेजना ही जी जी, वो मामला में अपन का निर्णय लेने वाला हो, का सोचा था परिवार का सोचा, अब बोला तो ऊपर वाले जानी भैया कवर जोड़ी ला ऊपर वाले बना के भेजते कथे, फिर भी मोर एक मैं अपन बात ला रखे हूँ घर में कि माता पिता ला कि मोला कलाकार लाइन में ही बिहाव करहूँ मोर, है ना, जिन हाँ मोला समझे, जिन हाँ मोला जाने सुने, मोला सपोर्ट करे, काबर बचपन ले तो ऐसे दुख पा आए हों, बचपन ले बहुत संघर्ष करे हों, है ना, और तेकर सेती मैं बोले हूँ कि मोला वैसने घर में बिहाहू तुमन हाँ, ऐसे कह के तब माता पिता मन बोल दे है मोला देखते हुए, मोर कलाकारी ला देखते हुए कही दे है कि ठीक है बेटी तोला जैसन तोर इच्छा रही कलाकारी में ही तोर बर बिहाव ला करबो कहके, तब माता पिता मन हाँ सोच समझ के ही दी, हाँ सोच समझ के ही दी, ऐसे मोर हवे अमोरो मन में है कि मोर ससुराल पक्ष रही तेन मन हाँ संगीत से जुड़े हुए हो, भावभक्ति ले जुड़े हुए हो, रामायण से जुड़े हुए हो, ऐसे मोर मनसा हवे भैया। शादी के बात करें ना चाहता नहीं ठन शादी वाले गीत जिन ला इंस्टा में आप मन अभी अपलोड करें वो गीत ला हमारे जनता के बीच रखते हैं जी जी बिल्कुल भैया। छिन भर डोला बिल मई देते कागा भैया, करिया त्यों दाई संग भेंट गा, छिन भर डोला बिल मई लेते कागा भैया,
करिया त्यों दाई संग भेंट गा ए मुरकार भैया करिया त्यों दाई संग भेंट गा ए मुरकार भैया करिया त्यों दाई संग भेंट गा झिंझरी महल मागा दाई मोर रोवे भैया करिया त्यों दाई संग भेंट ना झिंझरी महल मागा दादा मोर रोवे भैया बेटी भाई वीरान गा ए मुरकार भैया बेटी भाई वीरान गा ए मुरकार भैया बिटिया भाई वीरान गा। दीदी सोहर की ये बात कर रहे हो आप मन हाँ, सोहर गीत में ज्यादा गायले पड़ते हैं, एक छोटे से सोहर गीत एकदम दो चार लाइन के। जी भैया बिल्कुल बिल्कुल। जोग जोग जीवे तोरे लाल आयो मदन गोपाल आयो मदन गोपाल ये वो बहिनी तोरे घर बेट बाबीराज सोहर मंगल गावथन हो बहिनी तोरे घर बेट बाबीराज सोहर मंगल गावथन हो शुभ घड़ी भय श्री राम औ शुभ घड़ी लक्ष्मण औ शुभ घड़ी लक्ष्मण वो बहिनी शुभ घड़ी भरत भुवाल सोहर मंगल गावथन हो बहिनी शुभ घड़ी भरत भुवाल सोहर मंगल गावथन हो। दीदी जी देखा था ना एक सारा गाना उन्होंने सुना, पहले एक बार संस्था के नाम अपन हमर जनता के बीच रखते हैं। जी जी संगवारी मल्ला बता देना चाहूँ कि मोर छोटकुन संस्था के नाम है नवनिहाल मानस एवं जगराता परिवार ग्राम मारू टोला खुर्द खैरागढ़ यह पासिच में हवे। आप मन हाँ बिल्कुल जाके देख लो सुन लो और यूट्यूब में हवे भैया हमार मन के वही बता दो। जी जी यूट्यूब में सर्च मारो नवनिहाल मानस एवं जगराता परिवार मारू टोला खुर्द के और हो सके तो हमारे नाम लखलो लेहू ना तो बड़ अकन रामायण के गीत मन हाँ और कुछ कुछ जस गीत हवे तेनों मन हाँ संपर्क करे पर संपर्क कोई लगाना है आप मन की। जी जी तो नंबर कुछ तो संपर्क नंबर हमर मन के हवे 810-313-0-976 और एक ठन और नंबर है 70068-32-7। बिल्कुल संगवारी वैसे तो नंबर लाऊ दे दूँ डिस्क्रिप्शन में लेकिन दीदी के नंबर हरे और प्रोग्राम अगर लगाना है आप मन ला काबर की बहुत बढ़िया बढ़िया गीत संगीत अभी सुनाई सब है और लगा हुआ आप मन तब बहुत ज़्यादा सुनने ला मिली अभी तो अंतरा जन मुखड़ा मुखड़ा सुने अंतरा घलो भी अपन के एल्बम जेना हवा है चाहन वो गीत हमारे जनता के बीच रखते हो। मोर एल्बम में वैसे तो एक छत्तीसगढ़ी मया के गीत आ है और एक ठन एक दो ठन जस गीत घलोक आ है जिन्हा विवेक शर्मा जी भैया के स्टूडियो में डले है जिन खैरागढ़ी दाई के नाम ले चले है ओला बिल्कुल आप मन जाके देखूँ और सुनूँ और सौभाग्य के बात ये है भैया कि जोन खैरागढ़ी दाई वाले जोन मोर जस गीत हवे वो यही दंतेश्वरी मंदिर में शूट हो है पूरा यही मेर जैसे मैं अभी मेर बैठ के है बतावा था यही यही लोकेशन में मोर पूरा गाना के शूट हो है। हाँ संगवारी को नसीब देखो जैन मंदिर में गीत दीदी के शूटिंग हुए वो मंदिर में आज वीडियो हम मन लेवा था तो सबो चीज बिल्कुल भगवान संगे संग चलत ही से लगत हवे दीदी के तो वो गीत आप जनता के बीच रख। जी महामाई वो मोरे दाई वो महामाई वो मोरे दाई वो खैरागढ़ हिंदेवी ते कहाए महामाई वो मोरे दाई वो महामाई वो मोरे दाई वो खैरागढ़ हिंदेवी ते कहाए हिंग लाज मोर गाँव देवाला मारू टोला के देवाला माँ मारू टोला के देवाला माँ हो
टोला के देवाला माँ मोर दाई वो महामाई वो मोर दाई वो महामाई वो खैरा गढ़ देवी तें काए। दीदी जैसे आप मोर जन जाए के बेरा में जी एक ऐसे गीत रखो जिनमें अजंता संदेश घलोक मिले संगे संग विदा घलोक। हे पग धरे श्री राम हे पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भुइया पावन छत्तीसगढ़ भुइया। हे पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भुइया पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भुइया। अरे अरे पावन छत्तीसगढ़ भुइया हो रे हो धर्म छत्तीसगढ़ भुइया। अरे अरे पावन मारू टोला के भुइया हो रे हो धर्म खैरागढ़ के भुइया। हे पग धरे मोरे राम पग धरे श्री राम पावन छत्तीसगढ़ भुइया पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भुइया। हरियर अचरा ओढ़े गजब डोंगरी पहाड़ गजब डोंगरी पहाड़ पावन मारू टोला के भुइया। कले कले नदिया बोहत हे पहुना चरण पखार पहुना चरण पखार पावन खैरागढ़ के भुइया। अरे अरे पावन खैरागढ़ के भुइया हो रे हो धर्म छत्तीसगढ़ भुइया। अरे अरे पावन खैरागढ़ के भुइया हो रे हो धर्म खैरागढ़ के भुइया। पग धरे मोरे राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भुइया पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भुइया। बिल्कुल संगवारी हो जैसे दीदी तो बधाई आप मन दे रहे संगे संग हमरो तरफ ले बधाई है होली के बहुत बहुत। और दीदी के गीत में आप मन सुने हो जेमा खैरागढ़ संगे संग गांव सब वाला जोड़ तोड़ के आप मन गीत सुने से बढ़िया बढ़िया गीत घलोक हवा है। वीडियो में आप मन देखो पूरा स्टोरी हवा है जीवन जर्नी है। बाकी वीडियो में इतने रही। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ जय हिंद।